मशहूर पंजाबी गायक और कांग्रेस के नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने सभी को शॉक में डाल दिया है। खासकर पंजाब के गायक और दूसरे सेलिब्रिटीज की सुरक्षा को लेकर सरकार अब ज्यादा चौकन्नी नजर आ रही है। मूसेवाला की हत्या के बाद अब पंजाबी सिंगर मीका सिंह की पुलिस सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। बता दें कि मीका सिंह इन दिनों राजस्थान के जोधपुर में एक रियलिटी शो की शूटिंग कर रहे हैं। मूसेवाला की हत्या के बाद देश में बने माहौल को देखते हुए जोधपुर कमिश्नर की तरफ से आदेश जारी कर 50 से ज्यादा जवानों को मीका सिंह की सुरक्षा में तैनात किया गया है। सोमवार को देर रात मीका सिंह के होटल के बाहर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। शो की शूटिंग के दौरान भी मीका सिंह की सिक्योरिटी को लेकर राजस्थान पुलिस की तरफ से विशेष व्यवस्थाएं की गई है। शूटिंग वाले एरिया पर लगातार ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। जोधपुर के DCP भुवन भूषण यादव ने इस मामले को लेकर बताया कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद मीका सिंह को एहतियातन सुरक्षा दी गई। हालांकि मीका की तरफ से अपनी सुरक्षा को लेकर कोई डिमांड नहीं की गई थी। बता दें कि मूसेवाला की हत्या के बाद मीका सिंह ने लॉरेंस ग्रुप को लेकर एक के बाद एक कई पोस्ट किए, जिसमें उन्होंने सिद्धू की हत्या को लेकर जमकर विरोध किया और जिस अकाउंट के माध्यम से आरोपी ग्रुप पोस्ट कर रहा है उसे बैन करने की बात भी कही। इसके अलावा लॉरेंस के फेसबुक पेज का एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए मीका सिंह ने लिखा कि ऐसे फेसबुक पेज को बैन कर देना चाहिए। सिद्धू की हत्या वाले दिन से लगातार अब तक मीका सिंह ने एक के बाद एक चार पोस्ट अपलोड किए हैं। ऐसे में मीका के इस ट्वीट के बाद जोधपुर पुलिस अलर्ट हो गई। बता दें कि मीका सिंह इन दिनों जोधपुर में स्वयंवर मीका दी वोटी नाम के एक रियलिटी शो की शूटिंग कर रहे हैं। स्टार भारत पर टेलीकास्ट होने वाली रियलिटी शो में मीका अपने लिए दुल्हनिया तलाशेंगे। इस शो की शूटिंग 7 जून तक जोधपुर में चलने वाली है। वहीं दूसरी ओर मूसेवाला की हत्या के बाद दिलेर मेहंदी ने भी पंजाबी गायकों को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि पंजाब सरकार को अकड़ वाले गानों पर कंट्रोल करना चाहिए, तभी ऐसी वारदातों पर लगाम लगेगी। मीडिया से बात करते हुए दिलेर मेहंदी ने कहा कि पंजाब के जितने भी गायक हैं सरकार उनको बुलाए और ये वार्निंग दे कि वो अपने गानों को सीधा और अपने वीडियो को साफ सुथरी रखें। सिद्धू मूसेवाला की बात करें तो उनके भी कई ऐसे गाने हैं जिसमें वो हथियार लहराते हुए नजर आए हैं। बहरहाल हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।